किसान मित्रों नमस्कार, मैं हिमांशु साहू आपका वेलकम करता हूं फार्मिंग सपोर्ट चैनल में। और इस वक्त हम कवर कर रहे हैं सोनालिका का 750 DI, जो कि काफ़ी अच्छी ट्रैक्टर है, जो कि सोनालिका थर्ड रैंक में आती है इंडिया में ट्रैक्टर बेचने के मामले में। तो देखते हैं इसमें 750 DI में क्या क्या फीचर है। तो चलिए किसान मित्रों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो किसान वीर हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और पास में हमारी घंटी भी जरूर दबाएँ। तो किसान भी हमारा ट्रैक्टर सामने से कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक है। सामान्यतः ये 55 HP कैटेगरी में काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है, जो कि अभी भी मार्केट में काफ़ी अच्छा धूम मचाया हुआ है। और ये इसमें दो ऑप्शनल भी आ जाता है, 4-व्हील ड्राइव, 2-व्हील ड्राइव, या हम रिव्यू करेंगे 2-व्हील ड्राइव में, जो कि काफ़ी अच्छी ट्रैक्टर है। तो हम इसके बारे में बहुत सारे फीचर में जानेंगे कि क्या क्या फीचर है। इधर से हम इसका व्यू करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा DI 750 लिखा हुआ है, थर्ड जनरेशन में है और सोनालिका का लोगो दिख जाएगा हमको। इस तरह से इसका आप देख सकते हैं 2000 RPM में इसका आता है इंजन, जो कि काफ़ी अच्छी है ट्रैक्टर के लिए। उस हिसाब से इसका PTU सिस्टम भी है, जो कि 540 RPM इसका PTU है। और भी बहुत सारे फीचर इसमें कंपनी ने ऐड करती जा रही है। और सिकंदर सीरीज का ट्रैक्टर है, जो कि 100 देशों में इसका एक्सपोर्ट होता है, सिकंदर सीरीज जो कि सोनालिका करती है। तो बहुत सारे फीचर हमको देखने को मिल जाता है इसमें। लाइट देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है, इसका लाइट भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट लिखा है, DC टाइप है। और अगर हम इसका देखेंगे तो क्लच भी काफ़ी स्मूथ क्लच दिया हुआ है और साइड गियर दिया हुआ है। इसमें काफ़ी स्पेस बचता है इस हिसाब से, जो कि किसानों के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं सीट भी इसका एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे आइट साइड भी आप कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी स्पेस बच जाता है, अपने हिसाब से किसान एडजस्ट कर सकते हैं। मीटर इसका डिजिटल मीटर मिल जाता है, देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है डिजिटल मीटर मिलता है तो हर ट्रैक्टर में। और हम बहुत सारे इसमें फीचर दिख जाएगा। इसमें 55 HP लिखा हुआ है कैटेगरी में, देख सकते हैं आप। इसमें हमको 2 साल की वारंटी भी मिल जाता है। इसका ब्रेक की बात करें तो आई इमर्जेंट ब्रेक है इसका। और बहुत सारे फीचर हमको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी है सोनालिका के हिसाब से। डुअल क्लास सिंगल क्लास में ऑप्शनल भी मिल जाता है। इसका पीछे का टायर 14/28 के है, जो कि इसमें 13/28 का भी लग सकता है। इसमें 16/28 का नहीं आ पाएगा, इसमें 13/28 और 14/28 के लिए ऑप्शनल मिल जाता है, जो कि किसानों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका क्लच भी हमको ऑप्शनल मिल जाता है, दो ले सकते हैं, सिंगल डबल क्लच। इसमें हमको 2 डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, जो कि किसानों के लिए काफ़ी अच्छा है। एक में हम चला सकते हैं हैरो, और ये काफ़ी अच्छा है उस लेजर लिवलंग के लिए, तो काफ़ी अच्छा है ये ट्रैक्टर। उस हिसाब से आप देख सकते हैं लिफ्ट कैपेसिटी भी इसका हैवी है, 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाता है, जो कि इस 55 HP कैटेगरी में काफ़ी अच्छा है। इसमें PTU सिस्टम भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और 4 सिलेंडर में ट्रैक्टर अवेलेबल है, इसमें 3 सिलेंडर में भी अवेलेबल है। बहुत सारा ऑप्शनल दे रही कंपनी, उस हिसाब से अपना हिसाब से किसान जैसा भी ले उस हिसाब से उसको अवेलेबल कराएगी कंपनी। 3 सिलेंडर लेना चाहे 3 सिलेंडर मिल जाएगा, जो कि इस ट्रैक्टर के लिए काफ़ी खास बात है। इसी कारण सोनालिका आज देश में 3rd नंबर में आ गया है ट्रैक्टर बेचने के नाम में। और बहुत सारे फीचर हमको देखने को मिल जाएगा इसमें। टायर अपने हिसाब से कंपनी के हिसाब से जब किसान लेना चाहे तो अपने कंपनी MRF BKT का आप लगा सकते हैं। डुअल क्लच मिल जाता है, साथ ही इसमें हम और बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे। इसमें ब्रेक का आपको ऑप्शनल मिल जाएगा, सिंगल डबल, ये तो हर ट्रैक्टर देती है वैसे, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसे। और इसमें हमको हाइड्रोलिक कंट्रोल मिल जाता है, जिससे कि बहुत यूजफुल हो सकता है। इसका स्टेयरिंग टाइप भी काफ़ी अच्छा है, जो कि मैकेनिकल पावर स्टेयरिंग टाइप दिया हुआ है, जो कि किसानों के लिए काफ़ी अच्छा है, जो कि फार्मरटेक ट्रैक्टर और सोनालिका प्रोवाइड करती है, जो कि ट्रैक्टर किसानों के लिए काफ़ी यूजफुल होता है वो, जो कि स्टेयरिंग टाइप में आपको अच्छा से परफॉर्मेंस देता है। अगर इसकी सर्विस की बात करें तो आप अगर हर 300 घंटे में इसकी सर्विस कराते हो तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। इसके साइलेंसर में भी जाली दे दिया गया है, जैसे हाथ धोखे से लग जाता है तो जल जाने का डर रहता है, उस हिसाब से सेट किया गया है कि कोई परेशानी ना हो। वही अगर हम इसकी माइलेज की बात करें तो काफ़ी अच्छा है इसका माइलेज, रोटोवेटर चलाने पर भी 4 लीटर इसका माइलेज देता है, इसीलिए ये कंपनी काफ़ी अच्छी फेमस होती जा रही है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 6.5 लाख मिलता है, 6,30,000 के करीब, जो कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते रहेगा, तो एडजस्ट हो सकता है उस हिसाब से कंपनी, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग रेट मिल जाता है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है ट्रैक्टर। तो किसान मित्रों बस इतना ही,
वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और आप हमारे YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो हमारे अगले किसान वीरों के साथ WhatsApp पे, Facebook में शेयर भी कीजिए।